बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, जिसमें हम मेजरमेंट्स को डील करते हैं। एक्चुअल में ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जो रिलेशनशिप सेटअप करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ए गिवन रिएक्शन। अब वो रिलेशनशिप मास मास रिलेशनशिप भी हो सकता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है। बच्चों, डेफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डीलिंग विद मास एंड वॉल्यूम रिलेशंस अमंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज स्टोइकियोमेट्री। अब हम इसको एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, इसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चलता है बच्चों कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करके 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट है 2, 1, 2, ये हमें मोल्स या फिर मॉलिक्यूल के बारे में इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये मास नहीं बताते हैं। कभी आप ये सोचें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, उससे तो फिर क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट हो जाएगा बच्चों, वो वायलेट हो जाएगा। और मोल और मॉलिक्यूल्स का नंबर तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल वाटर, और यू कैन से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल वाटर। बच्चों ये तो है मोल रेशो 2, 1, 2। अगर मास रेशो की बात करें, क्योंकि हम मोल को मास में कन्वर्ट करना जानते हैं बच्चों, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम वाटर। अगर मोल को मास में कन्वर्ट किया जाए तो ये मास रेशो बनेगी बच्चों कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम वॉल्यूम रिलेशन देखते हैं, क्योंकि बच्चों ये सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में गिवन है तो हम वॉल्यूम रेशो भी देख सकते हैं। मोल को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों एसटीपी कंडीशन पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 × 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 × 22.4 लीटर H2O गैस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा मोल रेशो, ये है मास रेशो, ये है वॉल्यूम रेशो। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट की हेल्प से हम ये रिलेशनशिप देख सकते हैं बच्चों। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 मोल हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन हो सकती है, 4 ग्राम हाइड्रोजन से 2 × 22.4 लीटर H2O गैस की फॉर्मेशन हो सकती है, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 × 22.4 लीटर H2O गैस की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से लिंक करेंगे और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और इसको क्वेश्चंस अभी हम बहुत सारे करेंगे स्टोइकोमेट्री पे बेस, और इसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम। बच्चों वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, उसे बोलते हैं आप लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा बच्चों, उसे आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी यही वाला रिएक्टेंट डिसाइड करेगा बच्चों। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों। ठीक है, और अगर एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट आपको गिवन है बच्चों, तो वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा बच्चों। देखो बच्चों, जो रिएक्टेंट पूरी तरह ख़त्म हो जाए वो तो लिमिटिंग है, और जो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी जिसका अमाउंट बच जाए जिस रिएक्टेंट का, उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक्सेस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो हमेशा कौन सा रिएक्टेंट डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और अगर एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है प्रोडक्ट बनाने के लिए,
तो ये मान के चलिए कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, व्हेन टू मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद फाइव मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया देन विच वन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों आपसे ही पूछा गया है कि दो मोल नाइट्रोजन और पाँच मोल हाइड्रोजन अमोनिया की फॉर्मेशन करते हो तो इन दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग कौन सा है। तो आप इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें पहले तो, ठीक है। आप एक तो यूं करके देख सकते हैं बच्चों, जैसे आपको रिएक्शन में इंडिकेट हो रहा है कि इसके वन मोल के लिए इसके थ्री मोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वन मोल के लिए थ्री मोल की रिक्वायरमेंट है, वन मोल नाइट्रोजन रिक्वायर थ्री मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ये देखिए कि टू मोल के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, सिक्स मोल की, और आपको कितने दिए गए, फाइव मोल। बच्चों जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमेशा ही लिमिटिंग होगा। लेस देन रिक्वायरमेंट अगर कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो लिमिटिंग। अब ये तो हो गया यूनिटरी मेथड से पता करना कि ये हमारा कैसा रिएक्टेंट है बच्चों, लिमिटिंग, क्योंकि सिक्स मोल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन है फाइव मोल, तो यही हमारा लिमिटिंग। जिसका अमाउंट कम गिवन है बच्चों वो हमारा क्या है, लिमिटिंग है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों जितनी रिक्वायरमेंट है या तो उतना प्रेजेंट हो या उससे कम प्रेजेंट हो तो वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग होगा। बच्चों जितनी रिक्वायरमेंट है या तो उतना ही प्रेजेंट हो या उससे कम प्रेजेंट होगा तो हमारा रिएक्टेंट कैसा होगा, लिमिटिंग। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट का पता करने का, आप क्या करें, जो आपको ये मोल दिए गए हैं, मोल जो दिए गए हैं टू मोल और फाइव मोल, आप इनके इनको इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट से डिवाइड कर दें, टू बाय वन एंड फाइव बाय थ्री। अब देखिए कम कौन आ रहा है, 1.66 और ये आपका 2। अब आप देखिए कम कौन है बच्चों, 1.66 या 2, 1.66। तो जो कम आएगा ना बच्चों वो आपका लिमिटिंग होगा। एक तो ये तरीका है बच्चों, और दूसरा आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि वन मोल के लिए थ्री मोल की रिक्वायरमेंट तो टू मोल के लिए सिक्स की रिक्वायरमेंट होगी और है हमारे पास फाइव मोल। ठीक है बच्चों, तो ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए ये हमारा लिमिटिंग है। ठीक है, या फिर आप क्या करें, जो आपके पास मोल हैं रिएक्टेंट के आप उनको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें और जो कम आएगा वो आपका लिमिटिंग होगा बच्चों। अब हम आगे स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम मीथेन। पहले आप रिएक्शन लिखिए बच्चों मीथेन के कंबशन की, जितने कार्बन है उतने CO2 बना दीजिए और जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनाइए, 4 हाइड्रोजन है ना तो 2H2। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 and 2, 4, यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन हो गए। ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपसे ये पूछा गया है 32 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितने अमाउंट, कितना अमाउंट वाटर का बने, वेट पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है 32 ग्राम बच्चों, ठीक है, जो आपको गिवन रिएक्शन में कितना है, रिएक्शन बता रही है कि 16 ग्राम अगर हम इसका लें मीथेन का तो कंबशन करने पे हमारे को 36 ग्राम वाटर मिलता है बच्चों। तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए, 16 ग्राम के कंबशन से आपको मिलता है 36 ग्राम। अगर एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है ना बच्चों तो वही आपका लिमिटिंग, 36 ग्राम H2O मिलता है बच्चों। तो 1 से कितना मिलेगा और 32 से कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये आपका 72 ग्राम आ जाएगा बच्चों, 72 ग्राम। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल आपको इक्वेशन जो है आनी चाहिए सिंपल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैं फिर से बता दूं इसको कि आपसे ये पूछा गया था कि कितना वाटर बनेगा, तो पहले स्टैंडर्ड देख ले रिएक्शन में जो बता रखा है कि 16 ग्राम से हमारे को 36 ग्राम की फॉर्मेशन मिल रही है वाटर की, तो 32 से कितनी मिलेगी, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो अल्टीमेटली यही हमारा लिमिटिंग है और दूसरा एक्सेस में।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, और ज़्यादा बेटर समझेंगे आप इसको। देखिए बच्चों, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन O2 फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्लोजन है बच्चों, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप पहले रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, बैलेंस फॉर्म में लिख लीजिए। और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये भी जो वाटर बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बनेगा बच्चों, H2 गैसियस फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पे ना आपको दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है बच्चों, तो पहले एक बार आप लिमिटिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। लिमिटिंग कौन सा है, पहले तो आप इसके मोल बनाइए। आपको पता है ना मोल कैसे बनाते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट। 5 मोल तो आ गए हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 64/32, 2 मोल। फिर मैंने आपको बताया था लिमिटिंग का पता करना है तो जो मोल्स का नंबर है उसको कोफिशेंट से डिवाइड करिए एक बार, 5/2 और 2/1। देखो मोल आए थे इसके 5, तो कोफिशेंट कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट 2, यहाँ 1 है बच्चों। तो ये देखिए, ये तो आएगा 2.5 और ये आएगा आपका 2। तो कम कौन सा आया बच्चों, कम आया आपका ऑक्सीजन, इसलिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट से ही देखना है कि कितना आपका गैसियस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पूछिए बच्चों, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ आपके पास है मोल O2 के 2 मोल हैं बच्चों, ठीक है 2 मोल। यहाँ देखिए रिएक्शन में क्या बताया गया आपको, कि अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम की बात की गई है तो आप सीधा वॉल्यूम में लिखें, 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O। HSTP आप कंसीडर करेंगे, अगर आपको नहीं कहा गया किस कंडीशन पे, HSTP 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म। ठीक है बच्चों, आप सीधा ये सारी रिलेशन की बजाय आप सीधा ये देखें कि यहाँ पर आपको गिवन है, जैसे मोल में आपने ले लिया है और यहाँ आपको रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम में। तो स्टैंडर्ड आप लिखें पहले रिएक्शन में क्या दिया गया है, 1 मोल से 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। तो अब आप देखिए 1 मोल से फॉर्मेशन है 2 × 22.4 लीटर, तो 2 मोल ऑक्सीजन से कितना फॉर्मेशन होगा बच्चों, ठीक है आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका बनेगा 4 × 22.4, तो ये बन जाएगा 89.6 लीटर बच्चों। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, क्या किया मैंने, यहाँ पे दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन था ना आपको, ठीक है दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन था, तो आपने ये देखा कि उनमें से लिमिटिंग कौन सा है। तो पहले आपने उनके मोल बनाए, और मोल बनाए हैं बच्चों तो आपने क्या किया, फिर ये देखा उनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, जो कम आया वो आपका लिमिटिंग है बच्चों। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब आपको एक बार लिमिटिंग का पता चल गया ना, जैसे आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन था बच्चों, 64 ग्राम ऑक्सीजन था, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ग्राम से ही कि अब लिमिटिंग का अगर आपको पता चल जाए तो कितना वॉल्यूम बनेगा। आप सीधा यहाँ वेट को लिंक कर सकते हैं वॉल्यूम से, कि ये 32 ग्राम से आपको इतना वॉल्यूम मिलता है, 32 ग्राम से आपको वॉल्यूम मिलता है 2 × 22.4 लीटर। 1 से कितना मिलेगा, 2 × 22.4 / 32, तो 64 से कितना मिलेगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पे भी आपका वही आंसर आएगा बच्चों। एक बार आप लिमिटिंग का पता कर लें, उसके बाद तो फिर आप रिएक्शन में देखें कि कितना अमाउंट लेने पे कितना मिलता है यूनिटरी मेथड से, फिर उसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों।